वेदांता फॉक्स वेगन के बाद नागपुर के मिहान में प्रस्तावित टाटा एयरबस प्रकल्प भी जाने से गुजरात सफल रहा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी सद्बुद्धि महायज्ञ करते हुए उन्होंने सवाल किया है कि महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार क्या कर रही है। आम आदमी पार्टी ने रविवार को संविधान चौक में महायज्ञ के जरिए सद्बुद्धि महायज्ञ किया। इससे उन्होंने प्रार्थना की है कि शिंदे फडणवीस को भगवान सद्बुद्धि प्रदान करे। आपके विदर्भ संयोजक देवेंद्र वानखेड़े और राज्य कोषाध्यक्ष जगदीत सिंह के नेतृत्व में किए गए इस आंदोलन में अमरीश सावरकर, नागपुर सचिव भूषण ठाकुलकर, नागपुर उपाध्यक्ष डॉक्टर शाहिद अली जाफरी, उत्तर नागपुर संयोजक रोशन डोंगरे, मध्य नागपुर संयोजक लक्ष्मीकांत दांडेकर, दक्षिण नागपुर संयोजक मनोज टापले और दक्षिण पश्चिम नागपुर के संयोजक अजय धर्मे ने प्रमुखता से भाग लिया। इस अवसर पर कहा कि महाराष्ट्र में सुशिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है, सरकारी भर्ती बंद है, बेरोजगार युवक नौकरियों के लिए दर दर भटक रही हैं। इसके बाद भी महाराष्ट्र के प्रकल्प गुजरात ले जाए जा रहे हैं, इस पर मुख्यमंत्री शिंदे, उप मुख्यमंत्री फडणवीस कुछ नहीं बोल रहे हैं, वह सिर्फ पुरानी सरकार की आलोचना करने में लगे हैं। अपना समाहितच आहे, गेल्या 4 दिवसापूर्वी नागपूरला एक मोठा प्रोजेक्ट येणार होता टाटा एयरबसचा। हा प्रोजेक्ट नागपूरचे उपमुख्यमंत्री असताना, नागपूरचे नितीन गडकरी सारखे मोठे मंत्री असताना गुजरातमध्ये जात आहे। यामुळे आमच्या विदर्भातल्या जनतेला रोजगार मिळणार नाही। आमच्या इथे MIDC असेल, मिहान असेल, कार्गो असेल, आजपर्यंत डेव्हलप झालं नाही। आणि सगळे जर प्रोजेक्ट एकामागे एक गुजरातला जात राहिले तर महाराष्ट्राचा विकास होणार नाही, त्यातल्यात विदर्भाचा तर बिलकुलच विकास होणार नाही। आणि मागचे 5 वर्ष आता परत देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री आहेत, तरीही नागपूरला कोणताही उद्योग येत नाही, ही फार भयावह गोष्ट आहे। आमच्या विदर्भातल्या लोकांना रोजगार मिळाले पाहिजेत आणि या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना आणि उपमुख्यमंत्र्यांना चांगली बुद्धी मिळाली पाहिजे। यांनी गुजरातसाठी काम न करता नागपूरचा महाराष्ट्रासाठी काम केलं पाहिजे। महाराष्ट्रातल्या जनतेला रोजगार कसे निर्माण होतील यासाठी काम केलं पाहिजे। म्हणून आज फडणवीसांना सद्बुद्धी मिळो यासाठी हा महायज्ञ इथे आयोजित केला आहे। आणि नागपूर किंवा विदर्भात जे लोक बेरोजगार आहेत यांना रोजगार मिळावा यांचीही व्यवस्था करावी यासाठी भीक मांगो आंदोलनाचं आयोजन केलं आहे। विरोधी पक्ष इसलिए चुप है कि ये विरोधी पक्ष की ताकत को खत्म कर दिया और वो आवाज उठाना जानते ही नहीं है, क्योंकि उनके पीछे ED CBI लगाने का डर है कि हम कोई मुद्दा उठाएंगे तो हमारे पीछे ED CBI लग जाएगी। आम आदमी पार्टी ना ED से डरती है, ना CBI से डरती है, ना किसी से डरती है। हम ये मुद्दा बराबर उठाएंगे क्योंकि हमारे जवानों का, हमारे नौजवानों का जो बेरोजगार है उनका मुद्दा है। और ये विदर्भ के साथ कहीं ना कहीं अन्याय है, महाराष्ट्र के साथ कहीं ना कहीं अन्याय है। ये रातों रात गवर्नमेंट बदलते हैं पैसे दे करके, MLA खरीद करके। ये MLA खरीद करके गवर्नमेंट बनाने के बाद इसलिए खरीदते हैं कि यहाँ का बेरोजगार छीन करके गुजरात जाया जाए, क्योंकि वहां पे इलेक्शन है, वहां पे इनको प्रगति दिखाना है। 27 साल से क्या कर रहे थे वहां पर, 27 साल से वो काम नहीं कर पा रहे, इसलिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट लिए जा रहे हैं मोदी जी के माध्यम से। ये गलत बात है। किसी ना किसी, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, अगर एक रीजन का फायदा पहुंचा रहे हैं, एक रीजन को दुखी रख करके, तो ये कोई न्याय नहीं है। ये बिल्कुल बायस डिसीजन है और ये महाराष्ट्र के फेवर में होना चाहिए। हमारी टाटा कंपनी से भी अपील है आम आदमी पार्टी की कि उन्होंने ये प्रोजेक्ट मिहान में जब 2015 में शुरू किया था, यहीं पर ये प्रोजेक्ट लाना चाहिए और यहाँ के लोगों को, बेरोजगार लोगों को नौकरी देनी चाहिए और मिहान की प्रगति होना चाहिए। सर चुका है मेरे मिहान, 25-35 साल हो गए वहाँ पर मिहान के बारे में, ये लाएंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, बड़े बड़े सेमिनार लिए जाते हैं, बड़े बड़े होटलों में सेमिनार लिए जाते हैं, बड़ी बड़ी पिक्चर दिखाई जाती है, हम ऐसा करने वाले, वैसा करने वाले, बस वो हॉल के अंदर पिक्चर खत्म हो जाती है, वास्तविकता तो बहुत खराब है। NBC न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।